जब हम भक्ति की बात भी करते हैं स्पेशली गौड़िया वैष्णवों के लिए, तो गौड़िया वैष्णवों को यह समझ में आना चाहिए कि आखिर जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो भक्ति का एक गौड़िया वैष्णव के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, उसके लिए भक्ति का क्या मतलब है। वो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की केवल एक विशेष भक्ति चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई होलसेल में सब तरह की भक्ति नहीं दे रहे। चैतन्य महाप्रभु के आने का लक्ष्य एक ही है कि चैतन्य महाप्रभु विरह में भगवान की सेवा देने आए हैं। परकिया भाव के अंदर भगवान की सेवा करने का जो उत्साह है और जो फल है वो चैतन्य महाप्रभु बांटने आए हैं। अगर हमने उस फल को अगर हमने प्राप्त नहीं किया तो समझ लो हमें गौड़िया वैष्णव बनने का, रूपानुगा बनने का, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अनुयायी बनने का, चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनने का हमने वास्तविक अर्थ ही हमने समझा नहीं। हमारा पूरा ध्यान उस तरफ ही जाना चाहिए हमारा। तो बात हो रही है कृष्ण करणामृत में बिलमंगल ठाकुर और भगवान कृष्ण के बीच। बिलमंगल ठाकुर ने अनेक श्लोकों द्वारा भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए। और भगवान ने एक्चुअली में उनको दर्शन दे भी दिए और भगवान उनके बिल्कुल समीप आकर खड़े हो गए। और भगवान ने बिलमंगल ठाकुर से पूछा, ओके फाइन, तुम क्या चाहते हो? तो बिलमंगल ठाकुर ने भगवान कृष्ण को बोला कि वेल, मैं आपके जो लीलाएं हैं, जो आपकी मधुर लीलाएं हैं, मैं उसका निरंतर दर्शन कर सकूं, मैं यही चाहता हूं। भगवान कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। अब भगवान कृष्ण ने अब बिलमंगल ठाकुर से प्रश्न पूछना शुरू किया। बहुत ही रोचक ये बात है। भगवान कृष्ण ने बिलमंगल ठाकुर को पूछा, वेल, चलो तुम मेरे तुम दर्शन करना चाहते हो तो चलो, जो मैंने भगवद गीता में श्लोक बोला है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो तुम उस भगवान का क्यों नहीं दर्शन करते? उसमें क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसमें तुम्हें क्यों संतोष नहीं आ रहा? बिलमंगल ठाकुर ने कहा, अच्छा आप अंतर्यामी की बात कर रहे हो? तो बिलमंगल ठाकुर ने बोला कि जो अंतर्यामी है, परमात्मा है, उनमें पावर तो है, शक्ति तो है, लेकिन मधुरता नहीं है। इसलिए मैं उनके ऊपर मैं फोकस नहीं कर रहा, मेरा फोकस कहीं और है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा चलो, तो फिर विष्णु वामन अजीत मेरे इन रूपों पे तुम क्यों ध्यान नहीं लगा रहे, इस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे? इस पर फोकस कर लो, ये तो चलो इनमें मधुरता भी है। लेकिन बिलमंगल ठाकुर ने बोला कि वेल, देखिए इनमें है ये, लेकिन जो है वो ये जो रूप हैं भगवान के, विष्णु वामन अजीत इत्यादि, ये इंद्र जैसे लोगों के लिए, उनके लिए उपयुक्त हैं, मेरे लिए ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कभी ये लड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, तो मुझे इसमें सुख नहीं मिल रहा। अब भगवान कृष्ण ने बोला, अच्छा तुम्हें लड़ाई से प्रॉब्लम है, तो चलो फिर जो मेरा गर्भोदक्षाय विष्णु रूप है, तुम क्यों नहीं उस पर फोकस कर लेते, क्यों नहीं उस पर ध्यान लगा लेते? तो बिलमंगल ठाकुर ने कहा, गर्भोदक्षाय विष्णु जिनकी नाभि से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला कि चलो वो लड़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन उनमें जो है माधुर्य रस उनके अंदर दिख नहीं रहा, वो माधुर्य रस कहीं पे उसके दर्शन नहीं हो रहे। तो अब भगवान कृष्ण और करीब आ गए। अब भगवान कृष्ण ने उनको बोला कि चलो अगर ऐसी बात है तो चलो लक्ष्मी नारायण की उपासना कर लो, लक्ष्मी नारायण में तो चलो माधुर्य रस भी आ गया, लक्ष्मी जो है वो भगवान की
माधुर्य रस में सेवा कर रही हैं। तो बिलवमंगला ठाकुर ने कहा कि मैं इसमें इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि केवल एक ही स्त्री भगवान की सेवा कर रही है। बहुत सारी अगर जो स्त्रियाँ बहुत सारी अगर भगवान की जो स्त्रियाँ भगवान की सेवा में लगी होती तो मैं संतुष्ट हो जाता। ये इसके अंदर कमी है लक्ष्मी नारायण में, इसीलिए मैं उन पर ध्यान नहीं लगा रहा। तो भगवान कृष्ण ने बोला अच्छा वेल चलो तुम मेरे रूप पर ध्यान लगा लो द्वारका में रानियों के साथ, वो तो 16108 है, उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम्हारी सारी बातें पूरी हो गई, अब तो उसके अंदर माधुर्य रस अनेक स्त्रियों के साथ में उसमें आ गया। तो बिलवमंगला ठाकुर ने कहा आपकी बात तो सही है लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो आपका रास नृत्य है, रास लीला है, ये आपके इस द्वारका लीला में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं इसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहा। अब भगवान कृष्ण वृंदावन में पहुंच गए। भगवान कृष्ण बोला चलो ठीक है ब्रज में आ जाओ भाई, ब्रज के अंदर चलो तुम मेरे जो बाल्य और पौगंड कुमार और पौगंड लीला है चलो उस पर ध्यान लगा लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और मैं तो उसमें भी प्रेम विकसित हो सकता है और मैं जो मेरे रूप हैं कुमार और पौगंड उसके अंदर भी मैं प्राप्त हूँ। तो पौगंड बेसिकली कुमार है 5 साल तक की आयु और पौगंड है 10 साल तक की आयु, तो चलो उसमें मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन बिलवमंगला ठाकुर ने कहा कि मेरे मन में तो केवल कैशोर रूप जो आपका है, जो जहाँ पे कैशोर रूप शेष हो रहा है, जो 16 साल की आयु है 15 साल ख़त्म हो गए 16वें साल में आप प्रविष्ट हो गए, मैं तो उसी के ऊपर वही भाव मेरे मन में ठहरता है और कोई भाव मेरे मन में नहीं ठहरता। अब भगवान ने बिलवमंगला ठाकुर को बोला और चलो भाई मेरे कैशोर रूप पे ध्यान लगा लो, जो मैं गोचारण के लिए जा रहा हूँ उस पे ध्यान लगा लो, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? वो उसमें तुम्हें कोई समस्या आया क्या? उस पे क्यों नहीं ध्यान लगाते? तो अब बिलवमंगला ठाकुर ने कहा कि उसमें जो कामदेव का कोई उसमें रोल नहीं है, जो आप गायों को चरा रहे हो उसमें कामदेव का है, उसमें आपकी जो दोबारा जो माधुर्य लीला है वो उसके अंदर मुझे दिख नहीं रही, तो मैं उस पर ध्यान नहीं लगाना चाहता, मेरे मन में तो केवल जो आपकी जो इस पर भी मैं ध्यान लगाने में असमर्थ हूँ। अब भगवान कृष्ण ने कहा चलो तुम मुझे ही प्राप्त कर लो, चलो मुझे ही प्राप्त कर लो तुम। बिलवमंगला ठाकुर ने कहा नहीं मुझे आप चाहिए नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ये क्या कह रहे हो भाई, पूरी दुनिया मेरे पीछे भाग रही है, तुम कह रहे हो कि मैं ही तुम्हें नहीं चाहिए। तो बिलवमंगला ठाकुर ने कहा नहीं मुझे तो जो आपका जो माधुर्य रस में लीलाएं हैं गोपियों के साथ, वह आप तो ऐसी दया कीजिए कि मैं बस सदैव मुझे वही उनका दर्शन होता रहे। तो भगवान ने कहा तुम्हें मुझे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है? तो बिलवमंगला ठाकुर ने बहुत ही चतुराई के साथ उत्तर दिया कि जब मैं आपकी मधुर लीलाओं का दर्शन कर पाऊंगा निरंतर तो आप तो मुझे मिल ही जाओगे, आप मुझसे छूट के कहाँ जाओगे, वो तो अनायास मुझे प्राप्त हो ही जाओगे। इसलिए आपकी जो लीलाएं हैं जो भक्तों के साथ है, जो गोपियों के साथ आपकी लीलाएं हैं, मैं तो उस पर ध्यान लगाना चाहता हूँ, मुझे तो वो लीलाएँ हमेशा साक्षात दर्शन होता रहे, आप बस मुझे ऐसी आप दया कीजिए। तो बिल्कुल पिन पॉइंट कर दिया, हर चीज़ उठा के साइड पे कर दी, और मुझे तो ये एक सागर में से और मुझे तो ये एक बूंद चाहिए, उसके ऊपर ही पूरा ध्यान लगाएंगे तो जाकर सफलता हाथ में आती है। और उसके लिए बहुत ग्रीड, बहुत लालसा, बहुत लॉल्यम उसके लिए होना आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आने का मतलब ही यही है कि हम भगवान कृष्ण की माधुर्य भाव में हम
जो गोपियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, जो रागात्मिका भक्ति कर रही हैं, वो उस भाव में जो गोपियाँ लगी हैं, हम उनके अनुचर बनके, उनके दास दासियाँ बनके, हम भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है अपने में जागृत करें, और ऐसी इच्छा के सामने कर्म, ज्ञान और योग के कोई महत्व नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, उनके सामने बिल्कुल तृण के समान है। बिलवंगल ठाकुर कह रहे हैं कि जो मुक्ति है वो तो हाथ जोड़कर मुझे बार बार बोल रही है, मेरी भी सेवाएं ले लो भाई, मैं कब से खड़ी हूँ, मेरी भी सेवाएं ले लो। और जो धर्म, अर्थ, काम है, वो मेरे पीछे भाग रहे हैं कि हमें भी सेवा का मौका दो, हम भी खड़े हैं, हमारे ऊपर भी दृष्टिपात करो। बिलवंगल ठाकुर कह रहे हैं भाई चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ यही एक चीज़ चाहिए, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे यही चीज़ प्रदान कर दो, तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा।